फैमिली, आज की वीडियो होने वाली है पैशन प्लस न्यू मॉडल। इसका मीटर की प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको मीटर मिल जाते हैं इस मॉडल्स में। यहाँ पे इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखेगा, जो कि पुरानी वाली एक्सटेक जो स्प्लेंडर सॉरी पैशन प्लस एक्सटेक आते थे, कुछ उस टाइप से आपको मीटर मिल जाएंगे। यहाँ पे ईसीयू लाइट मिल जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा जो कि कोई चेंजिंग नहीं, इंडिकेटर का लाइट यहाँ भी मिलेगा और पार्किंग लाइट की भी सुविधा मिलती है। और इधर की ओर आएंगे तो आपको हॉर्न लाइट इंडिकेटर और लाइट अपर डिपर और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। इस साइड आएंगे तो आपको स्टार्टर बटन मिलेगा जो कि कुछ इस टाइप से आपको साउंड, इंजन की साउंड तो आपको सुना देता हूँ, कुछ इस टाइप से इसका साउंड है। इस टाइप से कुछ साउंड आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको I3S की ऑप्शन नहीं मिलती, यहाँ पे आपको I3S का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए I3S ऑन लिखा हुआ है, जो 11 किलोमीटर से पहले I3S ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको I3S की बटन मिल जाती है जो कि इग्निशन ऑन ऑफ करने पर आपको यहाँ पे लाइट जलता हुआ दिखेगा। और इधर क्या आएंगे तो आपको 11 लीटर की टैंक मिल जाएगी जो कि E20 मॉडल यहाँ पे है, E20 मॉडल है। कुछ इस टाइप से पीछे की ओर आएंगे तो इसका सीट जो कि काफ़ी बेस्ट और काफ़ी अच्छा सीट बनाया है कंपनी ने, और सीट में कोई खास चेंजिंग नहीं किया है, बस इसका मटेरियल में हाई चेंजिंग कर दिया है जिससे काफ़ी बेस्ट लग रहा है। पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको पीछे की ओर पीछे प्रोफाइल रियर प्रोफाइल मिल जाते हैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करूँ तो 20 तारीख की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 20/6 की। इंडिकेटर आपको मिलेंगे ओल्ड मॉडल वाली ही, इस टाइप से इंडिकेटर आपको जलता मिलेंगे। तो इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगे। यहाँ पे आएंगे तो रियर जो हैंडल ग्रिप होती है, कैरियर हम लोग बोलते हैं, इसमें आपको रेड कलर की मिलेगी क्योंकि इसका क्योंकि ये गाड़ी रेड है। यहाँ पे आएंगे तो हीरे की स्टिकर मिलती है जो कि आपको काफ़ी बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है आर ब्लैक रेड स्टिकर जो काफ़ी बेस्ट लग रहा है। इसमें एक मॉडल्स में ई मॉडल्स में आपको ऑप्शन एक और चीज़ का मिलता है जिसमें आपको मिलेगी एटलिटी बॉक्स, जो कि पैशन प्रो इसी मॉडल्स आते थे BS4 में तो उसमें नहीं मिलते थे, इसमें आपको एटलिटी बॉक्स की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे आएंगे तो आपको I3S भी मिल जाएंगे जो कि सारी गाड़ी में I3S। इधर आएंगे तो आपको फुल्ली ब्लैक इंजन मिलेगा जो कि 100cc का इंजन है और ये भी BS6 FI, और आपको ये इसमें भी मोटर ही सिस्टम मिलेंगे ना कि कार्बोरेटर सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल बॉडी लगा हुआ है, सेल्फ मिल जाएंगे, ये सेल्फ में ही आते हैं। 100cc की इंजन है, कॉम्बो ब्रेक की सुविधा इसमें भी है जो कि पहले वाले मॉडल में आपको मिल जाती है। पीछे वाली ब्रेक यूज़ करेंगे तो आगे पीछे दोनों लगेगा। फ्रंट की ओर आएंगे तो आपको एलाइवल के साथ ट्यूबलेस टायर की भी सुविधा इसमें मिलती है। और ऊपर की ओर आएंगे तो शॉकर पे एक DRL लाइट यूज़ किया गया है जो काफ़ी बेस्ट, और हार्ले डेविडसन में ऐसा ही लाइट दिया जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कुछ इस टाइप से आपको इंडिकेटर चलता हुआ मिल जाएंगे। फ्रंट की लुक आपको पुराने वाले मॉडल पैशन प्रो जो 2014-15 में आती थी कुछ इस टाइप से उसी टाइप से आपको मिलेंगे। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर आगे और पीछे दोनों मिल जाते हैं, कॉम्बो ब्रेक की भी सुविधा मिल जाती है जो कि इसका मीटर की सुविधा यहाँ पे नहीं मिलती है। जो स्पीडोमीटर चलता है उसके लिए आपको इसका इंजन से ही डायरेक्ट कर दिया गया है, अगर गाड़ी चलाएंगे डबल स्टैंड पे तो ही मीटर चलेगा, वो भी हम देखेंगे। कुछ इस टाइप से इसका साइड प्रोफाइल है। फ्रंट की ओर आएंगे तो इसमें DRL लाइट की सुविधा नहीं मिलती है, जो कि LED लाइट होता है वो इस मॉडल में नहीं है पैशन प्रो में, जो कि वो पैशन प्रो एक्सटेक में ही आता है। कुछ इस टाइप से आपको मीटर मिल जाएंगे। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पीछे वाली, जैसे ही चक्कर गियर डालेंगे यहाँ पे गियर जैसे ही डालेंगे तो देखिए चक्का घूमना पीछे वाला स्टार्ट हो गया। पीछे वाला चक्का जैसे ही घूमेगा तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए मीटर चल रहा है 20 की स्पीड में। जैसे एक्सीलेटर देंगे RPM तो यहाँ पे बढ़ने लगेंगे। अब हो गई है, इस मॉडल से भी आगे वाला चक्का से कोई मतलब नहीं रहा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।